का समागम पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से, हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकार सत्रहवीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। यहां पर पीएम मोदी बोले, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हस्ताक्षर हो चुके हैं और सिग्नेचर भी कर दिए हैं। अब यहां पर बात आती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त किस दिन जारी होगी और कब किसानों के खाते में मिलेगी। हम आपको यहां पर बता दें, जब सबसे पहले जब यहां पर कोशी को संभाला गया तो पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों को दिया तोहफा और बोले कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्तें हैं जो चल रही हैं वो पैसा पहले आना था, मगर यहां पर चुनाव के नतीजों के बाद जो है वो यहां पर सबसे पहले पीएम मोदी ने जो ऐलान किया वो किया पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, यानी किसानों के लिए खोज कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं रोड शो के अनुसार जो है पीएम मोदी जो है यहां पर निकल रहे हैं और यहां पर जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं इंस्टॉलमेंट। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है किसानों के लिए यहां पर काफ़ी जो है किसानों ने भीड़ लगा रखी है और यहां पर पीएम मोदी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है किसानों की तरफ आए हेलो कर रहे हैं और यहां पर देखिए जिस तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं उनका काफिला यहां से जारी हो चुका है और आज जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किसान भाई सभी लंबे समय से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब किसानों को मिलेगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। हम आपको यहां पर सब कुछ दिखाएंगे और किस प्रकार की कितनी भीड़ लगी हुई है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं और किस प्रकार से हाथ मिलाते हुए जो है किसानों की तरफ को जो है वो देख रहे हैं। आप भीड़ तो काफ़ी सारी लग जाती है जब पीएम मोदी जाते हैं तो आप देखते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त जारी। आपके लिए हम यहाँ पर बता दें किसानों को बुरा हाल, यानी किसान इतने खुश हैं कि उनको यहाँ पर आपको पता है कि साल में 6,000 रुपये जो है वो किसानों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है किसान भाइयों, हम आपको यहाँ पर बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त जारी और आपके लिए यहाँ पर बता दें सभी किसान भाई हैं खुश और पूरे राज्य में यानी सभी भारत में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त है वो जारी होगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर सेल्फी खींच रहे हैं लोग और यहाँ पर पीएम मोदी भी आप देख सकते हैं रोड शो के अनुसार जो है वो यहाँ पर देखिए काफिला यहाँ से निकल चुका है और यहाँ पर आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसान भाइयों बड़ा अपडेट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त जारी। 9 करोड़ किसान भाइयों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ और इन किसान भाइयों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। हम आपको यहां पर सब कुछ यहां पर दिखाने वाले हैं। मोदी ने किसानों को दिया तोहफा और पूरे मिल सकते हैं यहां पर 4,000 रुपये। बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है, अगर आपने KYC नहीं किया तो नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। 2,000 नहीं यहां पर मिल सकते हैं आपको 4,000 रुपये। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सत्रहवीं किस्त में जो है हस्ताक्षर यहाँ पर हो चुके हैं और पीएम मोदी यहाँ पर बोले कि ये पैसा किसानों के खाते में धरती से DBT के माध्यम से ट्रांसफर होने वाला है। यहाँ पर हम बड़ा अपडेट भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं किसान भाइयों, बहुत बड़ा अपडेट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं इंस्टॉलमेंट को लेकर काफी बड़ा अपडेट आ गया है और यहाँ पर ये जो पैसा है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और वो भी यहाँ पर 2,000 रुपये भी हो सकता है और 4,000 रुपये भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर यहाँ पर आपकी आय की बढ़ोतरी हुई तो 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये भी आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट, किसानों के लिए बड़ा तोहफा यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी संभाली है और यहाँ पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया जिसमें 2,000 रुपये या 4,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाले जारी की गई थी और उसके बाद में अभी अगर आप बात की जाए तो 2024 में पहली किस्त थी जो कि 16वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज की गई थी। अब यहाँ पर साल में 6,000 रुपये दिए थे तो आपको पता होगा कि अभी पहली किस्त ही जारी हुई है, आज दूसरी किस्त भी यहाँ पर जारी हो सकती है इस साल की यानी 2024 की। तो यहाँ पर 24 में 17वीं इंस्टॉलमेंट और 18वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है 2024 में आपको रिलीज होगी और आपके बैंक खाते में आएगी। बात करते हैं 17वीं इंस्टॉलमेंट की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सत्रहवीं किस्त में बड़ा अपडेट, सभी किसान भाई खुश और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे किसान भाई
सभी राज्यों में जो है वो जारी हो चुकी है और उन किसान भाइयों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों ने ई केवाईसी नहीं करी है वो उन किसान भाइयों को यहाँ पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो सत्रह इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो यहाँ पर ना मिले। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ई केवाईसी जरूर करा लें और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसानों की आय जो है वो बढ़ाई जाए, यानी अगली बार जो है वो पैसा बढ़ के भी मिल सकता है। काफ़ी सारे किसान भाइयों के बैंक खाते में यहाँ पर जो है 4,000 रुपये भी आएंगे और उससे ज़्यादा भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे पिछले टाइम में भी हमने यहाँ पर देखा था कि काफ़ी सारे किसान भाइयों को एक एक साथ काफ़ी से जो पैसे हैं वो यहाँ पर रिलीज किए गए थे। उसी प्रकार से अगली बार भी जो है वो किसानों को यहाँ पर पैसा मिल सकता है और यहाँ पर जो है जो भी किसान भाई इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज हुए और उसके साथ में ही उन किसान भाइयों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है जिन किसान भाइयों ने अपना सारा कुछ सही करवा रखा है, जैसे केवाईसी है, लैंड शीलिंग है और आधार शीलिंग है। आपको पता होगा किसान भाइयों, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो उन्हीं किसान भाइयों को दिया जाता है जिन किसान भाइयों की ई केवाईसी, लैंड शीलिंग और आधार शीलिंग ये तीनों कंप्लीट होती हैं तो ही उनको यहाँ पर पैसा दिया जाता है, अन्यथा उन किसान भाइयों को पैसा नहीं दिया जाता है। काफ़ी सारे किसान भाइयों को पैसा यहाँ पर नहीं मिला था काफ़ी लंबे समय से, वो उन खातों में जो है वो एक साथ काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर गया होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब 2024 यानी 28 फरवरी 2024 को यहाँ पर पैसा रिलीज हुआ था तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को 30-30, 32-32 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में भेजे गए थे, क्योंकि उनका पैसा जो था वो यहाँ पर रुका हुआ था, उसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा था। तो उनका जब फॉर्म सही हुआ तो उनको यहाँ पर पैसा भेज दिया गया। तो काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है किसान भाइयों और आप लोगों के लिए जो भी न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी किसान भाई रह गए थे और वंचित हैं, जिनको पैसा नहीं मिला था, तो उनके खाते में जो पैसा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर डाल दिया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है, जैसे ही यहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव के बारे में अगर यहाँ पर सोचा गया तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सोचा और यहाँ पर किसानों को ऐलान कर दिया कि जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा यहाँ से रिलीज कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों के लिए जो है 2,000 रुपये की किस्तें हैं वो यहाँ पर आपको पता है कि दी जाती हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नंबर भी दिए गए, तो नंबर उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं आपका पैसा आपके बैंक खाते में क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से लेकर सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जिससे अब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है और अगर आपको यहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और जिससे आपको भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। क्योंकि मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूँ, आज भी करोड़ों किसान भाई ऐसे होंगे जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो उन किसान भाइयों को कहना है कि अगर उनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिला है तो वो आप टोल फ्री नंबर से जाकर या फिर अपने कृषि विभाग में या फिर कृषि अधिकारी से मिलके आप इनका पैसा ले सकते हैं। यानी सरकार की ओर से जो किसानों को 2,000 रुपये की जो रकम दी जाती है तो उसका भी